लंबे समय के बाद डीयू में कांग्रेस की वापसी हुई। बुधवार को जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव की काउंटिंग शुरू हुई तो कांग्रेस नेता भी नतीजों पर टकटकी लगाए थे। आमतौर पर डीयू के चुनाव के नतीजे देश के मूड को नापने का जरिया माना जाता है। जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस की बांछें खिल गईं। एनएसयूआई की शानदार जीत ने मानो कांग्रेस को जैसे संजीवनी बूटी दे दी हो। यही वजह है कि डीयू से जीत की खबर आते ही कांग्रेस पार्टी में जीत का जश्न मनने लगा। डीयू में मिली इस जीत का पूरा श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी एक सच्चे नेता हैं और एनएसयूआई ने जो जीत दर्ज की है वो राहुल गांधी के यंग इंडिया के सपने पर देश के युवाओं का भरोसा दर्शाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठे वादे और नाकाम नीतियों पर देश के युवाओं की नाराजगी है। राहुल गांधी सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लगातार यंग इंडिया के सपनों को साकार करने के लिए अपनी आवाज उठाते रहे हैं। जिस तरह डीयू में एनएसयूआई ने जीत दर्ज की उसके बाद क्या कांग्रेस एक बार फिर मजबूती से बीजेपी के सामने खड़ी होगी? माना यह जाता है कि डीयू छात्र संघ चुनाव के नतीजे बहुत कुछ तय करते हैं। ऐसे में ये जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम करेगी। क्या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।